सदर बाजार स्थित माना मंडपम में विश्व जागृति मिशन आगरा सत्संग समिति के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री सुधांशु जी महाराज के आगरा आने के विषय पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि सुधांशु जी महाराज का सत्संग एवं प्रवचन 7 व 8 मार्च 2020 को कोठी मीना बाजार में कराया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज से बात करते हुए अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि सुधांशु जी महाराज आगरा में पहली बार आ रहे हैं और भक्त लोग उनका बड़े ही तहे दिल से स्वागत करेंगे। साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों पर भी चर्चा की गई। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए हरीश यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम महावीर सिंह रावत है और विश्व जागृति मिशन का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। सुधांशु महाराज जी के प्रोग्राम हमें मिला है सत्संग के लिए आगरा में 7-8 मार्च 2020 को। इससे संबंधित तैयारियों के लिए आज एक बैठक रखी है, जिसमें हमारे भक्तों ने क्या क्या सहयोग करना है वो सब चीज़ के बारे में चर्चा हो रही है। गुरु जी का प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, बहुत अच्छी भीड़ इकट्ठी होने की उम्मीद है, इसलिए प्रशासन से भी परमिशन के लिए हमने वो कोठी मीना बाजार में प्रोग्राम होना है वो परमिशन भी ले ली है। ये प्रोग्राम आपके कितने कितने बजे तक चलेगा? हमारा प्रोग्राम ये 2 दिन चलेगा, 7 और 8 मार्च को, 7 और 8 सुबह 2 पालियों में, सुबह 9 से 11 और शाम को 5 से 6, 4 से 5 जो होगा, बीच में भी दीक्षा कार्यक्रम होगा, मतलब दिन भर का प्रोग्राम रहेगा जो भी 2 दिन होगा। मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अध्यक्ष विश्व जागृति मिशन आगरा मंडल आगरा। आज की बैठक का कार्यक्रम क्या है, किस तरीके से गुरुजी आ रहे हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? हम लोगों ने आज पहली मीटिंग करी है, जिसमें कि गुरुजी के आने का प्रोग्राम है और स्थल हमने भी अप्लाई कर रखा है कोठी मीना बाज़ार। इसके बाद फिर हम इनके जो बाहर से लोग आएंगे हमारे, उनको रहने का भी आसपास का पूरा इंतजाम किया जाएगा और उम्मीद यही है कि हम लोग तन मन धन जिसकी जो हैसियत है उसके रूप में काम करेंगे और गुरुजी के प्रोग्राम को सफल बनाएंगे।